जहीर भाई आपको क्या लगता है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है बरकरार रहेगी या तब्दीली की जो है वो बाजगश जो है वो सही तिलात हैं? देखिए पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर है, बाबर आजम के लिए अपने लिए भी बेहतर है कि T20 की कैप्टनसी। राशिद भाई ने मेरे शो में कहा कि बाबर आजम ने बड़ी गलती की कप्तानी दोबारा लेकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और उसके बाद फिर ये शर्त लगाना कि नहीं मैं तो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करूंगा, गलत बात है। देखें आप इंडिया के अंदर आप देख लें, इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कप्तान जब उनको कप्तानी से हटा देते हैं एज ए प्लेयर खेलते हैं और इज्जत के साथ रुखसत होते हैं। तो बाबर एक अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, मैं मानता हूं इसके। आप हक में हैं कि बाबर को कैप्टन रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कैप्टनसी की उनकी फेवर में कभी भी नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं कि क्योंकि देखें वो अच्छे कैप्टन नहीं है, उनके पर डिसीजन मेकर नहीं है, अच्छे प्लेयर जरूर है मगर वो भी फर्स्ट क्लास के, सॉरी वन डे के और फाइव डे के टेस्ट मैच के, T20 के वो अच्छे प्लेयर नहीं है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। और ये बात वो खुद भी कह चुके हैं कि मेरी ये क्रिकेट नहीं है कि मैं जाते ही छक्के मारूं। जब T20 गेम ही स्ट्राइक रेट टेस्ट करने का है तो फिर उनको अपनी गेम खेलनी चाहिए। राजा भाई एक मिनट, आप हक में हैं कि बाबर आजम को कंटिन्यू करना चाहिए? आप समझते हैं कि अब T20 की क्रिकेट की कप्तानी जो है वो किसी और को दे देनी चाहिए? देखिए एक तो मुझे मेरा ये शक है कि टीम के अंदर वो जो भी गैरी क्रिस्टन से बयान मंसूब किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट में भी है कि टीम में वो आपस में तालमेल नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, और ये खामोशी से सब लोग जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। और जहां तक बाबर आजम का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो एक वाइट बॉल की इस वक्त तो चॉइस है, लेकिन आई थिंक ऑन वॉ फुटिंग पीसीबी को एक नए कप्तान की तलाश करनी होगी जो कि T20 के लिए उनकी बेहतरीन चॉइस हो।